नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एजेंसी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के सापला राज्य राजमार्ग पर। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये है अंतिम पंगाल का परिवार है। आज वो दिल्ली के लिए अपील के लिए जा रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के दरवाजे आज वो खड़खड़ाएंगे, क्योंकि कल से एक कुश्ती में नया विवाद खड़ा हो गया। क्योंकि जो कल जो तस्वीरें आप देख पा रहे थे कि जिस तरह से अंतिम पंगाल ने अपील की है कि ट्रायल हो, और जो है ये कहा गया कि ऐसा क्या कुछ है विनेश फोगाट में कि उसको ट्रायल में छूट दी जा रही है, उसी बात को लेकर आज उनका परिवार है, माता पिता है और तमाम गांव से बुजुर्ग आए हैं कि कहीं ना कहीं अंतिम को भी न्याय मिले। मेरे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले नमस्कार जी। बेटी के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, कल भी आपने बताया, आज कहाँ जाएंगे और क्या रणनीति रहेगी? आज हम वो इंडियन ओलंपिक का ऑफिस है, उधर जाके हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे और यही कहेंगे वहीं जाके वह हमारी बात सुनी जाए और या निष्पक्ष जाए और जो आगे जिसमें इनका चयन हो प्लेयर बाहर खेलने के लिए जाए। जिस तरह से आप भी आप कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं लगी, हमने कोई भी दूसरी तरफ का रास्ता इनकी जो अपनाया है, ये कुछ लोग बोल रहे थे भाई ये सिटी ट्रायल के लिए मतलब जाने के लिए बैठे हैं, इनका और कोई मकसद नहीं। देखिए, ब्रजभूषण सर ने बार बार यही बात की, चाचा था वो, ये आने वाले बच्चों के हक मारे जाएंगे, आपको गुमराह किया जा रहा है, उस बात में वो कितने ठीक थे। ये उस टाइम में तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था, अब वो बात सच्चाई होगी, अब उनको मैं ठीक मानता हूँ। क्यों उनने बोला था ये बिना ट्रायल जाने के लिए बैठे हैं, ये सारे झूठे आरोप हैं। उस टाइम पर हम भी यही विश्वास करते थे, वह हर आदमी अपनी सफाई देता ही है, कोई ना हो तो वह बात ही सच्चाई सामने आई। ये पूरा देश में ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया, क्योंकि अंतिम ने पहले भी कहा था कि मैं उसको हराने के काबिल हूँ। उन्होंने पहले अंदाज़ा हो गया था कि आपको पंगाल वो हराएगी और आपके रास्ते बंद है, तो इस तरह का रास्ता क्यों ना अपनाया जाए। हाँ, यही थी जी, कॉमनवेल्थ गेम था उसमें 12-15 सेकंड तक 3-0 का स्कोर था, लेकिन विनेश ने 2 स्कोर का इशारा होया तो उनको डायरेक्ट 10 सेकंड रहे थे, डायरेक्ट 3 स्कोर दे दिए। 1 स्कोर देने का उनका कोई उसमें नहीं था, मैं 2 स्कोर दे दिया, उनको मौका उस टाइम पर मिला था विनेश को जिताने के लिए, तो 3 स्कोर दे देने बाद में 5 सेकंड बचे तो भी वो बैंड कर दी गई, अटैक नहीं होगा, नीचे ने टाइम हुआ तो वो टाइम भी निकाल दिया और 3 स्कोर से विजेत हमने भी सहन किया। मैं चलो आगे बहुत टूर्नामेंट है हमारा, तो इसे करियर आया है और उनका ख़त्म होने पर है, हमने सोचा ये मौका भी जाने अब तो वक्त आ गया आवाज़ उठाने का। हाँ, आ गया अब वक्त आ गया, इस एशियन गेम में बिना ट्रायल जा रहे हैं, कल वर्ल्ड कप करिए कहेंगे एशियन वाले जाएंगे, वर्ल्ड में जो ट्रायल देगा और मेडल आएगा वही ओलंपिक में जाएगा, हमारे तो सारे रास्ते। हाँ जी, हमने 7 साल हो गए इसको खिलाते पिलाते वो करते, गांव छोड़ दिया 7 साल से और इससे बल तो दुख और क्या होगा। ब्रजभूषण सर से मिल सकते हैं आप आज अगर वो मिलना चाहें? ब्रजभूषण सर से अगर ये मिलना चाहेंगे तो हमारे कोई तकलीफ नहीं, हम मिल भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे को द्वेष हो रही है नेताजी से, कोई द्वेष नहीं, वो कहीं ना कहीं अच्छे साबित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह से अगर कल हमने वीरेंद्र कोच साहब से बातचीत की तो उन्होंने भी ये कहा कि जायज बात है, ट्रायल होनी चाहिए, फिर क्यों बच रहे हैं इसके? हाँ, क्यों बच रहे हैं, हमने सीधी चेतावनी दी है जी ट्रायल कराओ, हम कामयाब हैं, हम लड़ने के लिए कामयाब हैं, फिर लुटते क्यों फिर रहे हैं? एक सवाल और निशान यहाँ भी बनता है कि जितेंद्र सिंह हुड्डा 30 MLA को लेकर वहाँ जंतर मंतर पहुँचे थे न्याय दिलाने के लिए, आज चुप हैं, इसके पीछे कुछ कहेंगे? उसके पीछे कहेंगे जी वो थोड़ा है ताकतवर हैं, ताकतवर के पीछे आम आदमी लगता भी है, हम थोड़े कमज़ोर हैं, सिर्फ हमारे अंतिम को हरियाणा कमज़ोर नहीं मानता, अंतिम को नहीं जी, तब हम लड़ने वाले तो कमज़ोर हैं, वो तो जाके जंतर मंतर पर हमारी लेके और सबको आवाज़ जाके ने उठा दी थी, हम हमारी उठा रहे हैं। क्या लगता है कि इस पक्ष में बोलेंगे?
हाँ उनको बोलना भी चाहिए, बोलेंगे और बोलना भी चाहिए, यही बात है। खाप पंचायतें भी वहाँ जाती थी, दबाव बना सरकार पे, हर रोज किसी न किसी खाप पंचायत से प्रतिनिधि तो जंतर मंतर किया जाता, लेकिन वो भी आ चुप है। जब एक बेटी और न्याय मांग रही है तो इसके पीछे क्या कहेंगे? इसके पीछे जी भाजेंगे, कल हमने कराया है, आवाज उठाई है, शायद आज ये आवाज बुलंद हो जाए, और एक दिन का टाइम और है कि न्याय की गुरार लगा रहे हैं। आज कोर्ट में सुनवाई भी है, अगर जो हमारे पक्ष में फैसला आ जाता है तो कोर्ट भी कितना मानते ये अंतिम टक्कर देके हरा पाती है, आपको क्या लगता है? मैं 100% सभी पर मानता हूँ, मेरे वो तो कमलवंत का धोखा लग रहा है। ठीक है, और भी इसी के साथ थोड़ा धोखा हुआ है, और एक माँ बाप के लिए से बड़ी मुसीबत नहीं होती है। ये कोई वो नहीं है भाई, हमारी बेटी जीतेगी नहीं, हम योग कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बस जीतेगी, सबकी बेटी है, कोई ना कोई तो जीत के आगे जाएगी। त्रेपन में एक नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ, लाखों बेटियां हैं, अगर इस तरह से हक मारे जाएंगे तो माँ बाप का दिल ला के नहीं करेगा खिलाने के लिए? दिल ठीक रहेगा, जिस तरह हक मारेंगे तो कोई जी नहीं करेगा, और न्याय के लिए तो लड़ने में प्यार हो, उनको नहीं लड़ाना तो फिर आगे अगर उनको नहीं लड़ाना ना तो उनको सीधे मेडल दे दो फिर, वहाँ से क्यों लड़ेंगी ये, यहीं से मना करें, इनको पता है कि पंगाल इनको काटे ही टक्कर देगी, अब देगी ना जीतेगी, तीन 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 से उनको हराया गया था, तब पीछे एक बार उठा के देख लो पंगाल जीती हुई उसमें, इनकी चीटिंग से फोगाट जीती है, तो बोल दिया कि वीडियोग्राफी के साथ ट्रायल हो। हाँ बिल्कुल हो जी, बिल्कुल होनी चाहिए जी। बोलिए, हमारी सभी भाइयों से भी नेताओं से भी प्रार्थना है कि हमारे जो बेटी अमित को उसका हक मिलना चाहिए, और जो टूर्नामेंट हो हर एक खिलाड़ी पे लागू होनी चाहिए, ना कि ये जो चैंपियन पाक रहनी इन इन पर जो आगे आए सभी का हक मिलना चाहिए, और ट्रायल जरूरी होनी चाहिए, किसी टाइम पे मिलो ट्रायल जरूरी होनी चाहिए, और हमको पूरा विश्वास है 100% हमारी छोरी जरूर जीतेगी, और इनके लिए पूरा बगाना काम जंतर मंतर पे भी आया था, हमने माई टूर भी बंद करा था इन्हीं लड़कियों के लिए, तो इनने भी सोचना चाहिए, जो गांव इनके लिए लट उठा सकता है नहीं तो हम अमित के लिए भी तो लट उठा सकते हैं, हमारे के लिए आपको अगर पंचायत में, और जिस तरह से उनकी मेयर में हम गए थे, इसी तरह एक बेटी को न्याय दिलाना चाहिए, क्या मानते? जरूर न्याय दिलाना चाहिए भाई साहब, और पंचायतों को भी उठना चाहिए कि मतलब इसका हक मारा जा रहा है, और ट्रायल जरूरी है, ट्रायल में जो मतलब बच्चा आगे आएगा उसी को आगे ले जाना चाहिए जी। आप कुछ जी बोल रहे हैं? बात दो ही है, हाँ जी, अंतिम बेटा नु कह रही है ट्रायल कराओ ट्रायल कराओ, बात दो ही है, ज्यादा है भी नहीं, और इसको कितने बढ़ाओ, और जो नेता है मंत्री है खप आए हो उनको मेरी सबसे यही बात कहना है, वे बेटी बचाओ बेटी, ये बार बार मोदी ऐसे लिखता है, ये बेटियों को बचाने का काम है कि जिस माँ बाप का एक के किले वाले बेटे हैं मुँह में खाते, जो बेटी पे इतनी मेहनत लगाते हैं उन माँ बाप के लाज क्या बीतरी है, उनको भी पता लगना चाहिए, जो खप्पा होने का हाँ आके हम मुँह कर देंगे, वाह कर देंगे, आज वहाँ मैं उनके सबसे ये रिश्वत करती हूँ जो मेरी बेटी इन इसकी सहायता करेंगे, बस बात एक है, ये तो ट्रेल कराओ ट्रेल, दूसरी तो बातें नहीं। आज ओलंपिक एसोसिएशन के ऑफिस जा रहे हैं, उम्मीद है उनसे कि उम्मीद तो हमें उम्मीद तो घर से लेके चले हैं जित भी है, और हम तो उम्मीद है हमारी बेटी की होगी, उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे, और वे भी हमारी बेटी है, उनको भी हमें नहीं करेंगे, बेटी दो घोएंगे एक करेंगे, वे जाएंगे तो भी हम खुशी मनाएंगे, हमारे कानून नहीं होगा विरोध है बेटी भारत की, वह भी फिर नुका कर दो गुड़ा एक पड़े तो आपको घुड़ाना चाहिए नहीं, तो यही टक्कर है कर सकी वे भूलो बेटी तू भी मेरी विदेश बेटी है, और एक विशाल बेटे का लगी कर रखा ये काम है वो बदरिंग को, हम तो उनका बेटा है भारत का बेटा तो हमारा बेटा है, फिर बेटे को न्याय दिलाना चाहिए, बिना न्याय के लिए हरे हम न्याय दिलाने के लिए बेटी को पग उठा रही और आगे बिठाएंगे, फिर बेटी ये नहीं करेंगे तो भारत की बेटी कहीं नहीं जाएगी, ये काम होना कि बेटी पहलवान नहीं बनेगी, ये सारी सिफारिशों से और किसी के दबाव से काम हो रहा है, तो टक्कर की होगी तो टक्कर क्यों नहीं लेती हूँ, ऐसे नहीं कहती हम टक्कर लाएंगे,
बात दो ही। कल हमने बजरंग पुनिया के जो कोच हैं वीरेंद्र, उनसे बातचीत की, वो बोले कि ना हम इसको अंतिम पंगाल को कोई और पुश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो आपके दम पर है, और कुछ तो करा चाहिए। आप देख लियो उधर जो कुश्ती होगी उस टाइम देख लियो, जो लुका कर दो लड़े कर रहा है, कोई बात नहीं। हम खुशी खुशी से अपने बेटे ने लाएंगे घर, उनका हमें आशीर्वाद दे क्या मांगे। हमको तो विरोध नहीं करते उसका, ऐसे विरोध नहीं करते। इतना कि एक ट्रायल करा, ट्रायल करा दे बस, एक सिर्फ ट्रायल के लिए। एक जिम्मेदार आप कितना कितना खर्चा ला रहा है, इसको कितना पिक्चर जाता है। उनको दो दिन ये पता लगे उनको खाना नहीं मिलता, क्या खाने में चलता कैसे बीतरी पता है। वे बड़े बड़े एमएलए गांव में रुक के मारते फिरते, आज उसको नहीं देखते, आज बेटी के लग क्या हो रही है। और आज वो बुढ़ा बला चुप है, चुप कैसे रहेगा वो है। फिर भी उधर गांव में आना पड़ेगा, उसे फिर बोलना पड़ेगा है। ये नहीं कहते हमने तो उनमें ना निसरेगा और उनको गाँव वाले में ना निसरेगा, फिर न्याय दुआओ न्या बेन्या की बात नहीं करो। आपको भी ये लगता होगा भाई ये न्याय की बात से बिना न्याय की बात होनी चाहिए। हर युवा नौजवान जो भी देखता वो ये बोल रहा है कि जायज बात है, ट्रायल हो, जिसमें ताकत होगी वो आगे जाएगा। उसमें कोई धोखा धड़ी की बात नहीं, ये धोखा करा हमारी। इससे सब सहमत है और पूरा देश है वो अंतिम के साथ भी है। चाहे वो विनेश की बात हो, बजरंग की बात हो, जब हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं आम जनता है वो हक की तरफ जाती है। एक ट्रायल है वो होनी चाहिए, और कल से हमने तमाम कोचों से भी बातचीत की है, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि ट्रायल होनी चाहिए। और विनेश को खुद सोचना चाहिए, बजरंग को खुद सोचना चाहिए कि देश कह रहा है कि ट्रायल होनी चाहिए तो ट्रायल में ऐतराज़ क्यों। और भी तमाम जो कोच होंगे और एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी होंगे, उनसे हम सभी से कोशिश करेंगे कि उनसे रूबरू हों, उनसे बातचीत हों। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ एजेंसी।